गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनूप श्रीवास्तव, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी स्टडी यूज ऑफ हैविंग टू। आज की इस वीडियो में हम यूज ऑफ हैविंग टू के ट्रांसलेशन सीखेंगे। यूज ऑफ हैविंग टू के ट्रांसलेशन कैसे करते हैं प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सिखाऊंगा। यदि ये वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूज ऑफ हैविंग टू, इसका मतलब होता है जब हम, या हिंदी में बोले तो पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, या जहां पे मजबूरी दर्शाई जाती है, जहां पे हमें वो वर्क करना ही पड़ता है, हमारे अंदर एक मजबूरी है उस काम को करने के लिए, हमें वो कार्य आवश्यक रूप से करना ही पड़ेगा, वहां पर हम हैविंग टू का यूज करते हैं। रियल में देखें तो हैविंग जो है हैव का आईएनजी फॉर्म होता है। तो जैसे कि पता है जहां पे हमें वो वर्क करना है, हमारी मजबूरी है, तो वहां पर हम हैविंग टू का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट में है तो इज एम आर के साथ, पास्ट में है तो वाज अ वर्ब के साथ। पहचान की बात करें तो ना पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा था, नी पढ़ रही थी, ने पढ़ रहे थे, या पास्ट में थे, तो ये जो है कंपलसरी जो है सेंटेंस के अंदर इंक्लूड होता है। अर्थात इससे ही हमें पता चलता है कि ये जो यूज है मजबूरी का है और इसमें हम हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। इसकी जो है वर्ड ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट सब्जेक्ट रखते हैं, प्रेजेंट में है तो हम इज एम आर या एम इज आर का प्रयोग करेंगे, देन हैविंग टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है तो हम वाज और वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है अर्थात मजबूरी को दर्शाया गया है, और इसकी पहचान की बात करें तो देखेंगे ना पढ़ रहा है जो कि पहचान में दिया हुआ है। तो अब इसको जो है हम ट्रांसलेट करेंगे, इसमें भी देखेंगे ना पढ़ रहा है। इन सारे सेंटेंसों को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो है पहचान जो है उसके अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस मिल रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि सारे जो उदाहरण हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये हैविंग टू में यूज होंगे। तो पहला मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑर्डर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो, और देखेंगे प्रेजेंट टेंस में है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब इसके बाद इज आई एम आर, तो आई के साथ क्या लगता है, आई एम लगता है। अब चेक करेंगे इज आई एम आर से हमने चूज कर लिया, देन हैविंग टू, आई एम हैविंग टू, वर्ब क्या है पढ़ना, आई एम हैविंग टू रीड, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहीं पर ये सेंटेंस बन गया, ट्रांसलेट हो गया मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू रीड, आई एम हैविंग टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, उसके मन की इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी है उसकी, इसलिए उसको पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, आपको एक पत्र लिखना पड़ रहा है, आपको एक पत्र लिखना पड़ रहा है, तो अब इसको देखेंगे प्रेजेंट टेंस में है, तो सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे आपको, अर्थात यू। अब हमें पता है यू के साथ जो है प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, आर,
उसके बाद हैविंग टू, यू आर हैविंग टू, अब देखेंगे क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, लिखने क्या होती है राइट होती है, तो राइट का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे अर्थात राइट ही होगा, यू आर हैविंग टू राइट, अब देखेंगे ऑब्जेक्ट है, हाँ है ये है एक पत्र, राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना पड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड, उसे खेलना पड़ रहा है, अब इसको इसकी पहचान से हमें पता चला कि जो है ये भी यूज ऑफ हैविंग टू का है, इसलिए इसको भी जो है ये भी प्रेजेंट टेंस में है, इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसे खेलना पड़ रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट ही, अब ही के साथ क्या लगता है प्रेजेंट टेंस में, इज लगता है, ही इज हैविंग टू, ही इज हैविंग टू, अब वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब है खेलना अर्थात प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले, यहां पे क्रिकेट होता तो क्रिकेट आ जाता, ही इज हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा है। एक और सेंटेंस चौथा ले रहे हैं, आपको वहां जाना पड़ रहा है, यह भी प्रेजेंट टेंस में जो है यही प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है यूज ऑफ हैविंग टू का, इसलिए इसको जो है ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको वहां जाना पड़ रहा है, तो यू हमें पता है यू के साथ क्या लगता है आर लगता है, यू आर हैविंग टू, यू आर हैविंग टू, चेक करेंगे इसमें जो है वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, यू आर हैविंग टू गो, अब ऑब्जेक्ट है, हाँ है ये वहां, यू आर हैविंग टू गो देयर, इस तरह से हमने फोर्थ वाला जो सेंटेंस है उसको भी हमने ट्रांसलेट कर लिया, तो इस तरह से हमने जो है प्रेजेंट के चार ट्रांसलेट कर लिए। नेक्स्ट है ध्यान देंगे, अभी मैंने यहाँ पे था थी थे वाले भी दिए थे, तो वहीं से मैंने एक जो है इन दोनों सेंटेंसों को लिया है, यहाँ पर दिया है मुझे सीखना पड़ रहा था, मुझे सीखना पड़ रहा था, तो अब इसे जो है वाज वर्ब में बदलेंगे, ध्यान देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर पास्ट टेंस की भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो वाज वर्ब में बाकी रूल वैसा ही रहेगा, वर्ड ऑर्डर वैसा ही रहेगा जैसे हमने प्रेजेंट में यूज किया था। मुझे सीखना पड़ रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई वाज हैविंग टू, आई वाज हैविंग टू लर्न, मुझे सीखना पड़ रहा था, आई वाज हैविंग टू लर्न। नेक्स्ट है हम लोगों को स्कूल जाना पड़ रहा था, हम लोगों को स्कूल जाना पड़ रहा था अर्थात मजबूरी है उसकी कि स्कूल जाना पड़ रहा था, वो अपनी निजी इच्छा से नहीं जा रहा है अर्थात मजबूरी दर्शाई गई है, हैविंग टू का यूज किया गया है, पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी, और वी के साथ क्या लगता है वर, वी वर हैविंग टू, वी वर हैविंग टू, अब देखेंगे इसमें जो है वर्ब क्या है जाना, जाने क्या होती है गो, वी वेर हैविंग टू गो, ऑब्जेक्ट है हा है स्कूल, वी वेर हैविंग टू गो टू स्कूल, इस तरह से हमने जो है प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेट किए, हैविंग टू के और पास्ट के ट्रांसलेट किए, और तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन जो है दूर हो गई होगी। एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है हैविंग टू का, मैं उसको जो है यहां पर आपको बता रहा हूं।
एक और सेंटेंस आपको यहां पर मैं सिखाना चाहता हूं जो है बहुत ही यूज होता है। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा जो है लोग जो है इस सेंटेंस को यूज करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज किया जाता है। तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, ध्यान देंगे पढ़ रहा है अर्थात प्रेजेंट में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है एम, आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना बनाने क्या होती है कुक, आई एम हैविंग टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने हैविंग टू को जो है बहुत अच्छे से जो है आपको समझाने की कोशिश की है कहां पर हम हैविंग टू का यूज करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को जो है लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर शेयर करें। थैंक यू।